बेहद अलौकिक खूबसूरत तस्वीर सुल्तानपुर लोधी तो सामने आ रही ने, जिथे सिख धर्म के बानी साहेब श्री गुरु नानक देव जी पहली पातशाही का 554वां प्रकाश गुरपुरब इतिहासक गुरद्वारा श्री बेर साहेब सुल्तानपुर लोधी विखे 25-26-27 नवंबर न बड़ी श्रद्धा भाव न समूह संगत के सहयोग न मनाया जा रहा है। इस संबंधी तैयारियां जोरा शोरा के नाल चल रही ने। तस्वीर देख सकते हो किस तरीके दे नाल सारे ही प्रबंध जिहड़े ने ओह कीते जा रहे ने। गुरद्वारा श्री बेर साहिब दे विच देख सकते हो किस तरीके दे नाल बेहद खूबसूरत लाइटिंग की गई ने। लखां रुपए के फुलां दे नाल इह दरबार सजाया गया है, क्योंकि लखां संगतां आउंदियां ने सुल्तानपुर लोधी दे विच इस दिन। इस करके तुसीं देख सकते हो बेहद खूबसूरती दे नाल गुरद्वारा साहिब नूं सजाया गया है। विदेशी फुलां दे नाल सजाया गया है बाबे नानक दा इह दर, जिसनों बेहद ही खूबसूरत फुलां दे नाल लखां दी लागत दे नाल इह फुल विदेशां तों मंगवा के इत्थे लाए गए ने। गुरद्वारा श्री बेर साहिब विखे समागम दीआं तैयारियां तुसीं देख सकते हो जोरां शोरां ते ने। 554वां प्रकाश पुरब है गुरु नानक देव जी दा, जिसनों लै के ये बेहद खूबसूरत अलौकिक दर्शन तुसीं देख रहे हो। श्री गुरु नानक देव जी दे 554वें प्रकाश पुरब संबंधी तैयारियां पूरी तरह दे नाल मुकम्मल ने। 15 to 16 lakh रुपए की लागत दे नाल विदेशी फुलां दे नाल यह दरबार सजाया जा रहा है। तस्वीर बेहद दिल नूं सुकून देणगियां, चैन देणगियां, जो कि बाबे नानक दी धरतीआं ने। धन धन जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी, जो जगत नूं धारण आया उन्हों का प्रकाश दिहाड़ा 554वां प्रकाश दिहाड़ा जिहड़ा जथेदार हरजिंदर सिंह जी धामी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब और चीफ सैकटरी सरदार प्रताप सिंह जी उन्होंने दिशा निर्देश अनुसार जिहड़ा है गुरु नानक देव जी का प्रकाश गुरब 25 तो लैके नवंबर तो 28 नवंबर तक जिहड़ा वो गुरु नानक नाम लेवा संगत बड़े धूमधाम व्डे पद्धर से जिहड़ा वो मना रही ने। प्रकाश गुरपुरब समर्पित जिन्हें भी साढ़े प्रबंध ने, जिमें रहायश के प्रबंध, लंगर के प्रबंध, इस वे जे 50-60 के लगभग जे लंगर लग गए हैं। बाकी जी दरबार साहब की डेकोरेशन, लाइट एंड डेकोरेशन, फुलों की डेकोरेशन जी तकरीबन सारी है जी मुकम्मल हो चुकी है। प्रकाश गुरपुरब समर्पित जिन्हें भी साढ़े प्रबंध ने गुरद्वारा बेर साहब वालों वो तकरीबन जी सारे जड़े ने इस वक्त जे मुकम्मल हो चुके हैं। धन धन जगत गुरु श्री गुरु नानक देव प्रकाश दिहाड़ा जरा कल 26 तरीक जो नगर कीर्तन आरंभ होएगा गुरद्वारा संत घाट साहब तो, और सुल्तानपुर लोधी के वक् वक् विचार हों जरा शाम सुल्तानपुर गुरद्वारा बेर साहब विखे जी समाप्ति होएगी 26 तरीक कल रात में ही जरा 8 बजे तो कवि दरबार भाई मरदाना जी दवान होएगा। 26 तरीक तो लैके जरा 28 तरीक तक भाई मरदाना जी दवान वाले धार्मिक दवान सजेगा, और 27 तरीक रात में जोड़ा है 8 to 10 तक दूरदर्शन से जोड़ा वो लाइव कीर्तन समागम हो रहा वो लाइव चलेगा। ये जोड़ा संगतान गुरु नानक देव जी के गुरपुरब से अपील है भी कुछ जोड़ा इतने साढ़े लागे अपने गुरद्वारा साहब के सामने जो डिस्प्यूट पिया ही निहंगा सिंह के गुरद्वारे से वो जो डिस्प्यूट है बिल्कुल जो 100% जो समाप्त हो चुका है। जेडे निहंग सिंह से इतने जिन्होंने आके कब्जा किया उन्होंने पुलिस ने कढ के प्रशासन ने बाहर कर दिता है। उत्थे हुण जिहड़ा गुरद्वारा बेर साहिब जां सुल्तानपुर लोधी दे विच किसी तरह का भी 1% भी कोई डिस्प्यूट नहीं गा। गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं पुरजोर अपील है, बेनती भी है कि आओ गुरु नानक दे दर ते वध तों वध नतमस्त हो के बिना किसी भय तो किसी डर तो कोई भी डिस्प्यूट नहीं गुरु नानक दे दर ते दर्शन करके गुरु नानक देव जी दीआं जिहड़ियां खुशियां प्राप्त करिए। गुरु नानक देव जी दे गुरपुरब दीआं जिहड़ियां समूह गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं लख लख वधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जगत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का 554वां प्रकाश गुरपुरब जिहड़ा कि सारियां संगतां जिहड़ियां बड़ी श्रद्धा भावना नाल मना रहियां ने। इस तरह ही गुरद्वारा श्री बेर साहिब विखे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अते समूह मैनेजमेंट वालों जिहड़ी इस बार जिहड़ी फुल्लां दी जिहड़ी सजावट है वह अनोखे ढंग दे नाल कीती गई है, ते देश विदेश तों जिहड़े फुल है और यह 25-30 स्टेटां दे विच्चों होर भी जिहड़े फुल लिया के थोड़ी सजावट की गई है और पहलां नालों बेहतर इस बार होर ज़्यादा सजावट हुई है। तो इत्थे तरह तरह के फुल लगाए गए हैं,
जिदे नाल संगतां नूं देखण च बहुत वधिया लग रहा है और सजावट दे विच जिहड़ा अगे नालों बहुत ज़्यादा फर्क पिया है और इन्नी सुंदर जिहड़ी सजावट होई है सजावट दे नाल एक आकर्षक केंद्र बनिया होया है और दूरों दूरों संगतां जिहड़ियां उह तकरीबन सजावट भी देख रही हैं ते उत्थे सैल्फी भी लै रही हैं अते अपने आप नूं कैप्चर भी कर रही हैं एक मोमेंट दे तौर ते याद दे तौर ते इस तरह नगर कीर्तन दे विच भी कल नूं जिहड़ा सजावट कीती जाऊगी और गुरपुरब के वो तो वत जीडिया वो आन और गुरु घर दुशियां प्राप्त कर। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी फतेह जी। मैं संगतान को बेनती करनी चाहता वा भी ऐरकी वार जोड़ा वा तैयारियां तो हर वारी बड़ी वधिया होती हैं ऐरकी वार तैयारियां जड़िया वा फुलों की सजावट जी बहुत वधिया हुई है बहुत वध की गई है देशों में जिसमें फुल लिया के लाए गए हैं तो संगत को बेनती करनी चाहता वा भी वध तो वध आ दर्शन करो ऐरकी जी बकरमा वह भी खुली की गई है टंटा का समान जो वो वध लाया गया संगत की सहूलतों वास्ते लंगर जोड़े आ वो भी वो करवाए गए हैं रहायश का प्रबंध भी बहुत किया गया वा तो संगत को यही बेनती करनी चाहता मैं गुरु के जेडे दर्शनदारे करो तो खुशियां प्राप्त करो इतने आने के लिए पहुँच रही हैं जी बाहरों संगत हर वजी आदि गुरपुरब जोड़ा वा ये आर वर्ल्ड तो वेखन वास्ते आदि संगत बहुत आ रही जी ऐसी हूँ कल भी बहुत आ रही जी संगत हाँ व्डे ऐरकी मैं कहना वा भी जो 3 साल पिछले उन्होंने तो वह ऐरकी भर रहा गुरपुरब जी है हूँ तो संगत को हिसाब लाने बहुत व्डा गुरपुरब मनिया जाना जी संगत नूं अपील करदे पहुंचो इत्थे वध तों वध के दर्शन गुरु साहब के करो जी वध तों वध संगतां पहुंचण जी लंगरां दे प्रबंध जिहड़े बहुत वधिया होए आ सरावां दे प्रबंध होए आ टेंट घेरे के लग चुके आ थले मैटिंग हो गई चुकी सारे जी। मेरी रिपोर्ट डेली पोस्ट पंजाबी।